सीएचसी बनी और यहाँ पेशेंट्स जो है वो कतार में खड़े हैं और अल्ट्रासाउंड का इंतज़ार करते हुए। आज भी जो है फ्राइडे मुकर्रर किया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए, डॉक्टर नहीं आया है और ये लोग परेशान यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे साथ ये बात करेंगे कि किस तरह इनको परेशानी आ रही है। दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं लेकिन हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर यहाँ डायलेप्टेड कंडीशन में चल रहा है सारा सिस्टम। क्या नहीं सर, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का मसला चल रहा है। जब भी ये इन्होंने एक डेट फिक्स की हुई थी कि शुक्रवार को जो है अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होगा। अब जो लोग दूर दराज इलाके से आते हैं, जैसे मैं चंडीहार से आया हूँ, 60-70 रुपए किराया एक साइड से है। पिछली बार इन्होंने ये कहा कि मंगलवार को आएंगे, मंगलवार को हम यहाँ आए तो मंगलवार को जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमारी एक बात हुई किसी से, उन्होंने ये कहा हमारे को कि आज नहीं आएगा डॉक्टर, वो आएगा फ्राइडे को। आज हम फिर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे डॉक्टर कोई पोस्ट नहीं है डॉक्टर की तो यहाँ पे ताला लगा दें, शटर बंद कर दें। लीडरशिप जो है वो बहुत दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। चोरों को इनको छुड़ाना हो तो नंबर वन है ये आगे, चाहे वो DDC हैं, चाहे खड़पैंच सरपंच हैं। अगर सही मुद्दा है उसके लिए ये बोलेंगे नहीं, चोर चक्कू को छुड़ाने के लिए नंबर वन है। झूठे पर्चे अगर कटवाने फिर नंबर वन है, लोगों को झूठा हरासमेंट करने के लिए नंबर वन है, लेकिन रियल सोशल काज के लिए आगे नहीं आते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लीडरशिप ही नहीं है। किस लिए जिताने हमने DDC, किस लिए हमने जिताने हैं BDC, किस लिए हमने सरपंच जिताने हैं, हमने किस लिए जिताने हैं? जब मतलब इतना सा काम नहीं कर सकेंगे तो क्या करना है उनको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब वो घर में बैठे और आम आदमी की तरह मेरे हिसाब से तो दिहाड़ी कर लें, वो तो अच्छा रहे। चाचा आपने भी अल्ट्रासाउंड कराना था? देखो मुझे पर्ची दे दी है, मैं बुधवार को पेशाब टेस्ट कराया और डॉक्टर साहब ने मुझे लिख दिया कि जुमा के दिन आना अल्ट्रासाउंड होगा। ये तो जुर्म की बात है कि इतने दूर दूर दराज से इलाके से इंसान आए हैं, कोई चिंडियार से, कोई लुआंग से, कोई फतेहपुर से, कोई कहाँ से आए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। 200-400 रुपया किराया लगता है, अपने माँ बाप बच्चे साथ ले करके आते हैं बुजुर्गों को। ये तो अंधेरी है, यहाँ का तो नुमाइंदा नहीं है कोई भी, ये क्या बात है? यहाँ डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ राधा और लाख थे, जरा तो चलो उनके पास हम तड़फते थे, क्यों अब किसके पास जाएं, हम किसके पास हम फरियाद करें? यहाँ तो कोई है ही नहीं, लीडर ही नहीं कोई भी है। क्या ये सरपंच खड़पंच विधायक है, एक डॉक्टर नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते हैं? तो बातें तो वादे बड़े दावे करते हैं। जब वोट लेने होंगे फिर सारे आ जाएंगे, हाँ जी हम तुम्हारे को ऐसा देंगे तैसा देंगे। तो इस वक्त कोई भी बच्चा भी नहीं है, इस वक्त बनी ब्लैक को खुदे लाइन लगा रखा है। क्या है यहाँ? लोगों को मुआवजा नहीं, रोडों का मुआवजा नहीं, यो जो नरेगा में काम है उनके पैसे नहीं, तड़फ रहे मजदूर। ये कौन सी बात है, कौन राज्य है ये? क्यों नहीं ये गवर्नमेंट के यहाँ इन करिंदों को पूछती है, क्यों नहीं डॉक्टर भेजती है यहाँ? यह है हालत यहाँ CHC बनी की, और यहाँ महिलाएं जो है वो दूर दराज इलाकों से आकर वेट कर रही हैं। और इनको फ्राइडे का डे जो है वो मुकर्रर किया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए और आज भी एक डॉक्टर नहीं ला पाए हैं। बड़े शर्म की बात है इन गरीब लोगों की जो है वो हेल्थ मेंटेनेंस। बात करें विभागों की, बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बीटें खाली है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट खाली है, बिल्कुल एजुकेशन का बुरा हाल है, लेकिन यही है दावे वादे खोखले और लोगों को लड़ाना, पर्चे कटवाना, चोर चक्कू का साथ देना, उनको छुड़वाने के लिए ये नंबर वन है, लेकिन गरीबों का साथ या कोई सही काम है उसके लिए आगे नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा आगे।